नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राजस्थान के सियासी घमासान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम वाले कथित ऑडियो टेप ने सनसनी फैला दी। इस कथित ऑडियो टेप के लीक होने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने इस कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया। ये अपने आप में लोकतंत्र का काला अध्याय। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस तथा कथित ऑडियो टेप को मैन्युफैक्चर्ड बताया। पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जेब का ठीकरा हमारे सर फोड़ रही। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से बेबुनियादी आरोप कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजस्थान में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी इन बेबुनियाद आरोपों को जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है उनको सिरे से खारिज करती है। वी रिजेक्ट ऑल द एलिगेशंस दैट द कांग्रेस पार्टी हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू पुट ऑन द भारतीय जनता पार्टी। दरअसल ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब राजस्थान का ये प्रकरण शुरू हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। दो तीन चीज़ें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के बर्तनों की आवाज़ बाकी जगह ना पहुंचे, दुनिया उन आवाज़ों को ना सुन ले, इसलिए आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं।